से आप सब लोग, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। आज का टॉपिक है कि हैंड्स एंड फीट जो हैं उनकी टैनिंग हो जाती है, उन पे निशान या दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली गर्मियों के मौसम में, तो उससे कैसे बचा जा सकता है और हाथों पाँव को जो है वो साफ सुथरा और टैनिंग से कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लाइव जा रहे हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे, लेकिन अगर आपने हमसे क्वेश्चंस करने हैं, अपनी क्वेरीज पूछनी है, तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे ही आना पड़ेगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम आपसे मुलाकात के लिए आ रहे हों तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी इस इंफॉर्मेटिव चिटचैट का हिस्सा बन सकें, हमें ज्वाइन कर सकें। ठीक है जी। तो अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, तो गर्मियों में ना सिर्फ हमारा जो फेस होता है उसके कलर में हमें एक चेंज फील होता है और हम कहते हैं कि ये डल लग रहा है, बल्कि हमें हाथों पाँव पे भी डलनेस फील होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो नकल्स हैं वो डार्क लगना शुरू हो जाते हैं या हो जाते हैं, या सर्दियों के ख़राब हुए हुए होते हैं और उसके बाद फिर हमें वो गर्मियों में तंग करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियाँ आती हैं तो हमने ओपन शूज़ पहने होते हैं, हाफ स्लीव्स पहने होते हैं और फिर हम कॉन्शियस हो रहे होते हैं कि हमारे हाथ पाँव जो हैं वो साफ नहीं लग रहे। जो हाथों पाँव की स्किन होती है वो फेस की स्किन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। हाथ और पाँव की स्किन जो होती है, इवन हाथ और पाँव की स्किन में भी फ़र्क होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि जैसी पाँव की स्किन है वैसी ही हाथों की स्किन होगी। ये मैं आपको बता दूं कि पाँव की स्किन जो है वो निस्बतन ज़्यादा मोटी होती है और जो हाथों की स्किन होती है वो उससे कंपैरेटिवली कम मोटी होती है। एक और इशू होता है, जो पाँव होते हैं वो क्योंकि डिपेंडेंट एरिया होता है, तो उस पर अगर चोट लग जाए तो उसका निशान, या किसी भी वजह से अगर पाँव के ऊपर कुछ भी हो जाए तो वहाँ पे हीलिंग जो है वो स्लो होगी, स्लो प्रोसेस होगा हीलिंग का। लेकिन अगर जो है अगर हाथों पे होगा तो उसमें ये कि कंपैरेटिवली उससे जल्दी हीलिंग हो जाती है। ठीक है। पाँव जो हैं और हाथ जो हैं, सॉरी, जो पाँव होते हैं उसमें हमारे पास दो सरफेसेस होती हैं। एक हमारे हील्स होते हैं, यानी कि पाँव के तलवे होते हैं, जहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि हील्स फट रही हैं, पाँव बिल्कुल ड्राई हो रहे हैं, खुश्क हो रहे हैं, क्योंकि जो तेज़ गर्म हवा होती है, जैसे ज़्यादा गर्म मौसम होता है तो उसमें भी यही प्रॉब्लम होती है कि स्किन ओवर ड्राई रहना शुरू हो जाती है। इससे पानी की बॉडी में अगर पानी की कमी हो उससे भी यही प्रॉब्लम होता है। लेकिन बाहर जो तेज़ धूप होती है, या उसके अलावा हम क्योंकि ओपन शूज़ पहन रहे होते हैं तो जो गर्म हवा होती है उसकी वजह से भी हमारी स्किन जो है वो ड्राई रहना शुरू हो जाती है, और हम बहुत ज़्यादा वॉश कर रहे होते हैं, बार बार नहा रहे होते हैं, या बार बार हाथ धो रहे होते हैं, बार बार पांव धो रहे होते हैं, अपने आप को जो है वो एक सुकून पहुंचाने के लिए या कंफर्टेबल रखने के लिए, टेम्परेचर कम रखने के लिए बॉडी का, उससे भी जो है वो स्किन ड्राई हो रही होती है। इसमें हमारे पास दो इश्यूज होते हैं पाँव में। एक तो जो आपके हील्स होते हैं, जो पाँव के तलवे होते हैं, उनके ऊपर हमें मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होती है और वहाँ से डेड स्किन को हटाने की ज़रूरत होती है। जब तक कि डेड स्किन नहीं हटेगी, आपने देखा है जैसे पपड़ियाँ जमी हुई होती हैं पाँव के ऊपर, उस तरह से बहुत मोटी स्किन जिन लोगों की हो जाती है, पाँव के तलवों की या हील्स की, तो उसके अंदर कुछ नहीं जा रहा होता। वो कह रहे होते हैं कि मैं तो ऑयल भी लगा के मॉइस्चराइज कर लेती हूँ, वैसलीन भी लगाती हूँ और भी बहुत कुछ जो है वो मॉइस्चराइजेशन के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता, ये इसी तरह से ड्राई फटे हुए रहते हैं, यहाँ तक के ज़ख्म भी बन सकते हैं और उसके अंदर से ब्लड भी निकल सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। और जो पाँव की ऊपर वाली स्किन होती है उसके और प्रॉब्लम्स है, उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा होता है कि जी जिस शेप का जूता पहनते हैं बिल्कुल वही डिज़ाइन जो है वो हमारे पाँव पे बनना शुरू हो जाता है गर्मियों के मौसम में। तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ये जो पहला प्रॉब्लम है वो क्यों हो रहा होता है। वो इसलिए होता है कि बहुत सारे लोगों की स्किन ऐसी होती है कि अगर वो मॉइस्चराइज़ किए बगैर पहनते हैं जूता, तो जहाँ जहाँ रगड़ लगती है वहाँ वहाँ से आपकी स्किन के ऊपर निशान पड़ना शुरू हो जाता है, और फिर आप तंग होते हैं कि जूता किसी और स्टाइल का है और साथ में जो रगड़ से निशान बने हुए हैं वो तो पता नहीं क्या बने हुए हैं, और ये इतना बुरा लगता है, और पाँव जो हैं वो साफ़ लगने की बजाय गंदे लग रहे होते हैं। एक तो ये इशू होता है। दूसरा एक और इशू होता है, और वो ये होता है कि पूरे के पूरे पाँव का रंग जो है वो टैन हो जाता है, मध्यम पड़ जाता है, काला हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे धूप में संवला गया है, ठीक है, मुरझाया हुआ है और कलर जो है वो बहुत डल हुआ हुआ है। उससे फिर ये प्रॉब्लम आती है कि अब इससे कैसे बचें, जूता भी ओपन पहनना है।
अच्छा, मैं आपको थोड़े से जो ट्रिक्स बताने वाली हूँ या जो टिप्स देने वाली हूँ वो क्या है। पाँव की स्किन क्योंकि मोटी होती है और हीलिंग पुअर होती है, तो आप याद रखें कि जैसे हम आपको कहते हैं कि फेस की स्किन के ऊपर एक्सफोलिएट करें और मॉइस्चराइज करें, उसी तरह से इसको भी करना होता है। तो आप क्या करेंगे कि जो पाँव की हील्स हैं अगर वो फटी हुई रहती हैं, तो आपने ये करना है कि आपने हफ्ते में 2 दफ़ा ये कर लें कि आप गर्म पानी ले लेंगे, गर्म पानी में कोई अच्छा सा शैम्पू डाल देंगे जिसके अंदर पहले से कंडीशनर हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप पानी में मिक्स कर लेंगे, पानी इतना गर्म हो कि आपको गर्म लग तो रहा हो लेकिन जलाए नहीं और आप अपने पाँव उसके अंदर आसानी से रख सकें। उसके अंदर आप अपने पाँव डाल देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए पाँव अंदर ही रहने देंगे, उसके बाद आप पाँव को बाहर निकाल लेंगे और प्यूमिस स्टोन या झावा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसको प्यूमिस स्टोन कहते हैं और बहुत लाइट वेट और स्पॉन्जी से जो है वो ये अवेलेबल होते हैं, आपने वो लेके अपनी सारी की सारी जो हील्स हैं उनको स्क्रब कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसके बाद आपने धो लेना है पाँव को और फिर आप अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लेंगे। मॉइस्चराइज करने के लिए अगर आपके पास और कुछ ना हो तो जैतून का तेल पाँव की तलवों पे लगाने के लिए बहुत अच्छा है, वो आप लगा सकते हैं। ये मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जिस वक्त आप ये वाला प्रोसेस करेंगे। तो अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पाँव जो हैं वो फिर फटे हुए नहीं रहना शुरू हो जाएंगे और मॉइस्चराइज़र जो भी आप लगाएंगे वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा बिकॉज डेड स्किन उतर जाएगी। अब हम आ जाते हैं कि आपने एक्सफोलिएट और किस तरीके से कर सकते हैं। और एक अच्छा तरीका जो एक्सफोलिएट करने का है वो ये है कि आप जो सी सॉल्ट होता है, ठीक है, समंदरी नमक जिसको बोलते हैं, आप वो ले लें और उसके साथ कॉफ़ी जो है वो भी डाल लें। दोनों पाउडर की फॉर्म में होंगे। आपने ये करना है कि आपने हाथ गीले कर लेने हैं और पाँव गीले कर लेने हैं और उसके बाद ये वाला पाउडर उसके ऊपर डाल के और उसकी मसाज शुरू कर दें। आप मसाज करते जाएंगे तो आपकी डेड स्किन जो है वो उतरती जाएगी और उससे आप देखेंगे कि जब आप मॉइस्चराइज करेंगे या कोई क्रीम लगाया करेंगे अपने हाथों पाँव पे तो वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपके हाथ पाँव आपको पहले से बहुत बेहतर नज़र आएंगे। उसी तरह से हाथों के ऊपर भी आप ये एक्सफोलिएशन का प्रोसेस ऐसे ही कर सकते हैं और हाथों के ऊपर भी जैसे मैंने आपको बताया कि हफ्ते में 2 दफ़ा जो है वो आप पानी के अंदर डाल के शैम्पू और उसके अलावा कोई अच्छा कंडीशनर, बिल्कुल वही वाला स्टाइल जो है वो आप हाथों पे भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों की स्किन निस्बतन कम मोटी होती है पाँव की निस्बत। तो आपने ध्यान रखना है कि जिस वक्त आप इसके ऊपर प्यूमिस स्टोन या झावा इस्तेमाल करें तो आप बहुत आराम से, बहुत ही हल्के प्रेशर से, बहुत लाइटली, बहुत जेंटली इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं कि ये जो निशान पड़ते जाते हैं पाँव के ऊपर जूतों के, उसका क्या करना है। उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोगों की स्किन सॉफ्ट होती है, तो आपने ये ट्रिक करना है कि आपने जूता कोई भी पहनना हो उससे पहले आप मॉइस्चराइज़ करेंगे, मॉइस्चराइज़ करने के बाद कोई 10 मिनट के बाद आपने जूते पहनने हैं ताकि जो रगड़ से, फ्रिक्शन से जो निशान बनने हैं वो कम से कम बन सकें या ना बने। एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आप सुबह के वक्त सिर्फ खाली मॉइस्चराइज कर लें, सनब्लॉक चले नहीं भी लगा पाते, अगर आप सुबह के वक्त मॉइस्चराइज कर लिया करें अपने हाथों पाँव को और रात को सोने से पहले कोई अच्छी सी क्रीम जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, अगर आप वो इस्तेमाल कर लिया करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हाथ पाँव जो हैं उनके ऊपर टैनिंग नहीं होगी, उनका रंग झुलसेगा नहीं और वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे और आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि तभी आप इन्जॉय, साफ़ होंगे तो तभी आप इन्जॉय करेंगे अच्छे अच्छे स्लीपर्स, सैंडल्स और जो है वो ओपन शूज़ पहन के आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है जी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जाने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हों तो आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमें ज्वाइन कर सकें। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।